तुम्हारी सोच को क्या जंग लग गया है? तुम जानते थे कि वहां दुश्मन का पीछा करना पड़ सकता है और बम्बलबी कार नहीं बन सकता। उसने कार उधार ली थी। हे, बी को होश आ रहा है। तुम पहले ही अपना वॉइस बॉक्स और टी कॉक खो चुके हो। उससे दिल नहीं भरा जो स्पार्क भी खोना चाहते हो। ऐसा मत कहो बम्बलबी, तुम बेकार नहीं हो। देखो, मुझे भी बम्बलबी की चिंता है, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के हाथ आयोकॉन का एक नया हथियार लग गया है जो खतरनाक हो सकता है। बीते वक्त की तारीफ करने से या दोष देने से वो बदलेगा नहीं। कोशिश करो कि आइंदा कोई भी बेवजह खतरा ना मोल ले। बम्बलबी, तुम बेस से बाहर नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ टी कॉग मिल नहीं जाता। बम्बलबी का परेशान होना जायज है, लेकिन तुम और मैं जानते हैं कि उसे पूरी तरह ठीक करने का एक रास्ता है। एक ट्रांसप्लांट, लेकिन उसके लिए एक डोनर भी चाहिए। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, डोनर तुम्हारे सामने है। तुम्हारा दिल काफी बड़ा है, लेकिन इस समाधान से हम एक ऑटोबॉट को ठीक करके दूसरे को अपाहिज बना देंगे। मैं टी कॉक उतना इस्तेमाल नहीं करता जितना बम्बलबी करता है। ट्रांसफॉर्म होने की काबिलियत मेरे किसी भी काम की नहीं। मैं हर रोज यही बेस में रहता हूँ जहाँ मेरी सोच और मेरे हाथ ज्यादा अहमियत रखते हैं, मेरे हथियार और व्हील्स नहीं। हमारी टीम एक और योद्धा को खोने का नुकसान नहीं झेल सकती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यकीन मानो हम बम्बलबी का टी कॉग वापस ले आएंगे। ऑप्टिमस, मैक दरिंदे हैं। हो सकता है कि वो अब तक उसे पूरी तरह खराब कर चुके हों, या ऐसी हालत हो कि मरम्मत ही ना हो पाए। रैचेट, तुम जो कर सकते थे तुमने किया। प्लीज ये मत समझना कि मैं उसका वॉइस बॉक्स नहीं बचा पाया इसीलिए उसकी भरपाई कर रहा हूं। मैं वही करना चाहता हूं जो सही हो, बम्बलबी के लिए, हमारी टीम के लिए। तुमने तो कमाल कर दिया नॉकआउट। जानकर खुशी हुई लॉर्ड मेगाट्रॉन, लेकिन ये करता क्या है? जान गए क्या करता है? मुझे लगा मेरी खुशी खत्म होने वाली है। यही वो जगह है। हाँ, खजाना कैसा लगा साइलस? मैं मेगाट्रॉन को इंसानों से हाथ मिलाने की सलाह देता था। देखो ना, ऑटोबॉट्स कई बार उन्हीं की वजह से एक कदम आगे रहते हैं, पर वो खुद को बहुत बड़ा चालबाज समझते हैं। पर असल में मेगाट्रॉन तुम इंसानों के छोटे दिमाग से भी छोटी सोच रखते हैं, बहुत ही छोटी सोच। मैं तो बस साइज की बात कर रहा था। क्या तुम कभी चुप नहीं रहते? क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैंने खुद एक ऑटोबॉट को मारा था? ये है पूरी तरह से शुद्ध एनर्जॉन, जिसे हम ले जाएंगे और इस्तेमाल करेंगे मांसपेशियों से बने मेरे दोस्त, जिससे हम ताकतवर बन जाएंगे। जाहिर सी बात है कि दूसरा पेशेंट मैं हूंगा, इसलिए मैं सर्जरी नहीं कर सकता। इसलिए तुम में से किसी को ये काम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ तोड़फोड़ ही कर सकते हो। आरसी, ऑप्टिमस के हाथ ज्यादा स्थिर हैं। स्थिर और ज्यादा बड़े भी, जिनसे उसे काम करने में दिक्कत होगी। आरसी, तुम ये कर सकती हो, तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली कोई नहीं। सिर्फ मैदानी जंग में, ऑपरेटिंग थिएटर में नहीं। एक ही बात है, सिर्फ अगर छुरी तुम्हारे हाथ में हो, तुम पर नहीं।
क्या इसका मतलब अब से बम्बलबी एम्बुलेंस में ट्रांसफॉर्म हुआ करेगा या चिचड़ा हो जाएगा? ये तो बहुत बुरी बात है। बेहोश कर रही हूँ। तो मेरा शुक्रिया अदा काम पूरा होने के बाद करना। चलो बम्बलबी, तुम्हारी बारी। क्या हो रहा है? राजीव चल बता। बिल्कुल नहीं। एक और आइकॉन का रेडियो डिवाइस। उसका सिग्नल मिलने का मतलब है डिसेप्टिकॉन्स ने फिर से किसी हथियार को जमीन से निकाला है। ऑटोबॉट्स, चलने के लिए तैयार हो जाओ। यस। हमारे पेशेंट्स को छोड़कर रैचेट पर बेहोशी का असर कम कर दो। प्राइम, एक जबरदस्त खबर है। प्राइम कहाँ है? देखो, उससे कहना मुझे सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें मिली हैं जिनसे हमें मैक के सही ठिकाने का पता चल गया है।